सब्जियों को कैसे हम केमिकल फ्री कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो सब्जियां हैं वो सब केमिकल में ही रहती है, तो केमिकल से हटाने का डॉक्टर खादरवली ने बताया था कि इमली के पानी में भिगो। तो देख सकते हैं इसमें आपको इमली के टुकड़े दिख रहे होंगे इमली के पानी में। तो सब्जियों को जैसे हम अभी टमाटर डाला है, फिर और सब्जियां डलेगी, तो इसको डालने से सारा ही और 15 मिनट हमको इसको डुबो के रखना है इमली के पानी में। और इमली नहीं ज़्यादा, एक नींबू के बराबर, जैसे आप देख सकते हो ये 4 किलो टमाटर है, तो एक बड़ा नींबू मतलब मीडियम आकार के नींबू के आकार का हमको इमली का लेना है, और इसका लिक्विड बना के उसको फिर हम इसमें डाल देते हैं। तो 15 मिनट इसको ऐसे फिलवाएंगे तो उसका सारा केमिकल निकल जाएगा, और फिर उसको साफ पानी से हमें नल के नीचे धो लेना है, तो सारा आपका केमिकल निकल जाएगा। तो ये हम पिछले कई साल से कर रहे हैं, आप भी ऐसा करके अपना केमिकल से बच सकते हैं और ऑर्गेनिक बना सकते हैं। वंदे मातरम। देखिए इस तरह से इसको धोना है सब्जी को निकाल के, ऐसे बहते जलते ही धोना है इसको। वंदे मातरम। आप देख सकते हैं इसमें तुरई और भिंडी हम को भी डालें उसी पानी पे जिसमें हम टमाटर डाले थे, उसी पानी पे ही हम इसको डाल के फिर से इसको डुबो के और ऐसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। ऊपर से एक और बर्तन ढक देंगे जिससे कि ये अच्छे से दब जाए। बर्तन खाना में ऐसे बर्तन डाल के ऊपर से ये ऐसे कुछ हैवी सामान डाल रख दीजिए ताकि उसमें डूब जाए अच्छे से, ठीक है। तो बस 15 मिनट बाद सेम वही प्रोसीजर करना, बहते जल से धो लेना है इसको, बस बहते जल से धोना है ताकि सारा वो निकल जाए।